नमस्कार, निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यूपीएससी प्रीलिम स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत हम हिस्ट्री का जो टॉपिक शामिल करने जा रहे हैं वो है गांधीवादी युग प्रथम चरण, यानी 1917 से लेकर 1930 के बीच में जो भी गांधीवादी विचारधारा संबंधित आंदोलन रहे, महत्वपूर्ण गतिविधियाँ रहीं, हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन के उन्मूलन में गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। शुरुआत करते हैं। जैसे कि ये सभी को जानकारी है कि 1869 में पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में इनकी जन्म हुआ था गांधी जी का, और 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। दादा अब्दुल्ला व्यक्ति थे एक, जिनका केस लड़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई इंग्लैंड से करी थी, तो ये इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हो गई। बात करें इनके राजनीतिक पॉलिटिकल लाइफ पीरियड की या टेन्योर की, तो 1906 का वो समय था जब इन्होंने इस प्रकार इनकी राजनीतिक गतिविधियों में सहभागिता प्रस्तुत करी। तो 1906 की बात करें तो उस समय दक्षिण अफ्रीका में एक नया कानून जारी किया गया था। कानून ये था कि वहाँ पर जो भारतीय थे तो उनके लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र को लेकर चलना, साथ में लेकर चलना बहुत ज़रूरी था और इसकी अनिवार्यता दर्ज की गई थी। तो इसका भी ये बिल्कुल उन्हें उचित नहीं लगा, इस कारण से इन्होंने इसका विरोध भी किया और एक निष्क्रिय प्रतिरोध संघ की स्थापना की। ये इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी थी। 1906 में निष्क्रिय प्रतिरोध संघ की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की गतिविधियों के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको नाम सुनने को मिलेंगे। पहला, नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन। साथ ही साथ इंडियन ओपिनियन नाम का एक पत्र इन्होंने जारी किया था, ये इनके इनसे जुड़ी हुई जानकारी हुई। साथ ही साथ देखिए, पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसके हमने भी ऊपर बात करी, निष्क्रिय प्रतिरोध संघ की स्थापना करी थी इसके विरोध में। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। साथ ही साथ इसके साथ आपको एक और नाम याद रखना है, फीनिक्स फर्म या फार्म। एक्चुअली इन फार्म की स्थापना करने का जो उद्देश्य ये था कि जो सत्याग्रही के परिवार जन थे उनकी आश्रय की जो प्रॉब्लम थी या उनको आश्रय की सुविधा प्रदान करना, साथ ही साथ उनकी आजीविका चलाने के लिए जो महत्वपूर्ण साधन होते थे वो उनको यहाँ प्रोवाइड किए जाते थे। तो इस तरह से ये काफ़ी लोगों की सामाजिक आर्थिक सुविधाओं को देखते हुए स्थापित किए गए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ध्यान रखा जाए तो गांधी जी की जो विचारधारा थी वो कहीं ना कहीं इन्होंने टॉलस्टॉय को पढ़ा था। रस्किन की पुस्तक आपको याद होगी, अनटू दिस लास्ट, यहीं से आप इन्होंने अंत्योदय का जो कॉन्सेप्ट था वो ग्रहण किया था। और इसी के जो इसका हम गुजराती अनुवाद देखते हैं जिसे सर्वोदय के नाम से इन्होंने प्रकाशित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ पॉइंट्स हो गए। तो इन टॉलस्टॉय, रस्किन, साथ ही साथ थोरो, ये कुछ विचारक थे, पाश्चात्य विचारक थे जिनका प्रभाव गांधी जी की विचारधारा में दिखाई देता है। वो काफ़ी प्रभावित थे इन दार्शनिकों से। इसके साथ ही देखिए, विरोध गतिविधियों की बात कर रहे थे तो पोल टैक्स और भारतीय विवादों को प्रमाणित करने की विरोध भी इन्होंने किया था। तो ये कुछ इनकी गतिविधियाँ रहीं दक्षिण अफ्रीका में। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि गांधी जी का अपने जीवन का पहला सत्याग्रह कौन सा रहा, तो 1906 का सत्याग्रह होगा। भारत के संदर्भ में अगर बात आती है वो भारत के संदर्भ में उसका आंसर अलग होगा। तो ये कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, अब बात करते हैं भारत में गांधी जी की प्रारंभिक सफलताओं के बारे में। इनके प्रारंभिक सफलताओं के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इनकी विचारधारा से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए तो उसमें आप रुके अटके ना, तो ये इसलिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इनकी विचारधाराओं में कई सारी या दर्शन, इनका दर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है तो थोड़ा उसका जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। तो इनके लिए साध्य और साधन की पवित्रता बहुत इम्पॉर्टेंट थी। इनका मानना था कि इन दोनों का ही जो नेचर है वो बहुत प्योर होना चाहिए, किसी में भी कोई हिंसात्मक गतिविधि ना हो, वर्ग संघर्ष जो कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में हम देखते हैं या उनके विचारधारा में देखते हैं, उनके दर्शन में देखते हैं, वो इनके दर्शन में आपको अनुपस्थित दिखाई देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजनीतिक विचारधारा की बात करें तो इन्होंने राज्य के लिए अराजकतावादी तत्वों को ग्रहण ना करने की सलाह दी थी। तो इनके लिए जो राजनीति का दौर था या कहें राजनीति गतिविधियाँ में अराजकता कहीं नहीं होनी चाहिए। एक आदर्श राज्य यानी कि जो राम राज्य का कॉन्सेप्ट हम
सुनते हैं इनके द्वारा दिया गया था। इनका यही अर्थ था कि राम राज्य में कहीं कोई धार्मिक पुट नहीं था या धार्मिक इनपुट नहीं था। इनका कहने का मतलब था कि राम राज्य ऐसा राज्य होगा जहाँ सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, सभी के लिए संसाधनों की जो पहुँच होगी वो अनुकूल होगी, किसी में भेदभाव नहीं होगा। तो राम राज्य का कॉन्सेप्ट इन्होंने राजनीतिक गतिविधियाँ या राजनीति में जो विचारधारा होती है उसके लिए दिया था। आर्थिक विचारधारा की बात करें तो आपको इसमें याद रखना है इनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मशीनीकरण का विरोध किया था इन्होंने, लेकिन तब ये भी ध्यान रखना है कि मशीनीकरण का विरोध इन्होंने तब किया था भारत के संदर्भ में कि जब आपके यहाँ भरपूर मानव क्षमता मौजूद है, ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, तो ऐसे समय में मशीनीकरण उनके जो अधिकार हैं, उनका जो कौशल है उसका हनन करता है, इसलिए इन्होंने मशीनीकरण का विरोध किया था। तो ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, स्टेटमेंट फॉर्मेट में बन के आता है। तो अतिवादी जो स्टेटमेंट्स होते हैं तो उनमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि वो किस प्रकार सही और गलत हो सकते हैं। तब आगे बढ़ते हैं, साथ ही इनके कुछ महत्वपूर्ण जो पत्र वगैरह हैं ये भी आपको ध्यान रखने, जैसे हमने आपको इंडियन ओपिनियन बताया अभी स्टार्टिंग में, ये इनका पत्र था। और साथ में एक और नाम आपको याद रखना है, नवजीवन, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण पत्र थे। और एक पुस्तक थी हिंद स्वराज, ये इनकी पुस्तक रही। और यंग इंडिया, ये कई बार आपने सुना भी है, ये पत्र को इन्होंने इसमें संपादक की भूमिका निभाई थी। और यही यंग इंडिया था जिसका इन्होंने नाम बदल के 1933 में हरिजन कर दिया था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जो गांधी जी की बायोग्राफी है यानी आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, वो उसकी मूलतः भाषा जो है वो गुजराती में है, यानी कि वो जो उन्होंने आपने अपनी आत्मकथा लिखी है वो गुजराती में लिखी है। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया है वो किया है महादेव देसाई ने। तो मुझे उम्मीद है जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं आपने उसे लगातार नोट डाउन किया होगा। अब इनके कुछ आंदोलन या सत्याग्रह की बात करते हैं, तो भारत में इसकी शुरुआत जब हुई थी 1917 से हुई है, चंपारण सत्याग्रह से। 1915 में भारत में इनका आगमन हुआ, लेकिन इन्होंने 2 वर्ष तक भारत का भ्रमण किया, यहाँ के भारतीयों की मनोदशा समझी, उनके साथ वास्तविक स्थिति क्या है, उनकी सिचुएशन कैसी है, उनको किस प्रकार की पीड़ा है, उनकी क्षमताओं को परखा। इस 2 वर्ष के दौरान इन्होंने ये सब गतिविधियां संपन्न करी। और बात करें स्टार्टिंग में, जब ये 1915 में आए थे तो उसमें हमारे विश्व में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्थिति चल रही थी, और उस समय इन्होंने स्वायत्तता की शर्त पर ब्रिटिश शासन का सहयोग किया था। तो यानी कि स्टार्टिंग में जो गांधी जी थे उनका जो रुख था ब्रिटिश शासन के प्रति बहुत सकारात्मक था। बाद में आके चलकर जब हम आगे देखेंगे आंदोलन की प्रवृत्ति बदलती जाती है, उस समय इनका जो विश्वास था ब्रिटिश शासन पर वो डगमगा गया, वहीं से ये लोग यानी कि गांधी जी ब्रिटिश शासन के विरोध में आ गए। तो आपको ध्यान रखना है इसी कारण से, जैसे हमने आपको बताया कि ब्रिटिश शासन का सहयोगी रहे ये गांधी जी, तो ब्रिटिश शासन ने इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि दी थी या कहा था उपनाम के माध्यम से लोगों ने कहा था। और उपाधि की बात करें तो इन्हें केसरे हिंद की जो उपाधि दी गई थी, जो अफ्रीका में इन्होंने काम किया था उसे देखते हुए केसरे हिंद की इन्हें उपाधि दी गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे चल के यही उपाधि है जो इसका ये त्याग करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा सहयोग आंदोलन रहा या कौन सा आंदोलन रहा जहाँ पर इन्होंने अपनी उपाधि को त्याग दिया था। तो अब चंपारण की बात कर लेते हैं। पहला इनका सविनय अवज्ञा आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह 1917 की घटना है। कारण क्या था कि बिहार का जो चंपारण क्षेत्र था वहाँ पे नील की खेती के लिए एक पद्धति, एक प्रणाली रखी गई थी 3 कठिया, यानी अपने क्षेत्र में उनको किसानों को एक क्राइटेरिया दिया गया था कि अपने इस क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से नील की खेती करनी है। लेकिन क्या होता था कि नील की खेती करने से किसानों की जो दशा थी वो काफ़ी खराब हो चुकी थी, वो इसके समर्थन में नहीं थे। इस कारण से उन्होंने अपील करी, कृषक जो असंतोष था वो उन्होंने बढ़ता चला गया। और इस संदर्भ में ही जो स्थानीय, आपको याद रखना है स्थानीय किसान थे रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया कि वो यहाँ आकर बिहार के चंपारण में आकर एक सत्याग्रह का आयोजन करें या एक आंदोलन में भाग करें। तो यहीं पर आपको पहला जो सत्याग्रह यानी कि पहला जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहें या सत्याग्रह, यही था चंपारण सत्याग्रह। और इस आंदोलन की या सत्याग्रह की सफलता क्या रही, एक समिति बनाई गई चंपारण समिति, गांधी जी उसके सदस्य रहे, और इस समिति ने तय किया कि नील की खेती से किसानों को मुक्त कर दिया जाएगा। तो यही सफल आंदोलन इनका सफल एक्सपेरिमेंट रहा भारत में।
उसके बाद इसी आंदोलन से इन्हें राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, आचार्य कृपलानी जैसे नेताओं का भी साथ मिला। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन के द्वारा या किस सत्याग्रह में इन्हें राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई और आचार्य कृपलानी जैसे नेताओं का सहयोग प्राप्त हुआ। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि चंपारण की महिलाओं ने ही बापू की पदवी दी थी गांधी जी को। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, तो आपको ये थोड़ी बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है याद होनी चाहिए। अगला इम्पॉर्टेंट जो रहता है वो है अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में प्रथम भूख हड़ताल थी। ये देखिए, ये अपने आप में एक फैक्ट है। पहला सत्याग्रह हमने चंपारण में देखा, ये है प्रथम भूख हड़ताल इन्होंने करी थी अहमदाबाद में। यहाँ क्या मुद्दा रहा, यहाँ था मिल मालिकों श्रमिकों के बीच में बोनस को लेकर विवाद चल रहा था, क्योंकि इस समय यहाँ पर अहमदाबाद में प्लेग जैसी महामारी फैल चुकी थी और ऐसा कहा जा रहा था कि जो मिल मालिक है, जो मुआवजा है, बोनस है, उसे कम करने की बात कर रहे थे। 20% शायद उसको दर को निश्चित किया गया था, लेकिन श्रमिक कह रहे थे ये 50% तक होना चाहिए, क्योंकि अभी भी ये जो महामारी है खत्म नहीं हुई है, साथ ही साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो त्रासदी थी वो भी लोगों को प्रभावित कर रही थी। तो इस कारण से उनमें ये डर था कि कहीं ये बोनस जो अगर हमसे छीन लिया जाता है, कम कर दिया जाता है, तो हम वो काफ़ी प्रताड़ित हो सकते हैं। तो यहीं पर उनके सामने जो समस्या आ रही थी, इसी को लेकर गांधी जी ने एक आंदोलन या हड़ताल करी, अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो देखिए, यहीं पर आपको अम्बालाल साराभाई की बहन थी, ये खुद अपने आप में एक उद्योगपति थे या एक मिल के मालिक थे, उनकी बहन थी अनुसुईया बेन। इन्होंने गांधी जी के साथ काफ़ी सक्रिय भूमिका में इस हड़ताल में योगदान दिया और गांधी जी ने मजदूरों को ये एक मांग करी, उन्होंने उन्हें कहा कि 50 के स्थान पर आपको 35% के बोनस की मांग को एक्सेप्ट करना है या मांग रखनी है। तो यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक बात आपके सामने आई। और इसका सकारात्मक पक्ष ये भी रहा कि जो ब्रिटिश शासन था या कहें कि सरकार थी, वो इस समझौते पे सहमत हो गई। फिर बात करें इंपॉर्टेंट लोगों की या इसके प्रमुख सहयोगी कौन रहे इस आंदोलन में, हड़ताल में, गांधी जी के मुरारजी देसाई और अनुसुईया साराभाई, ये साराबेन भी कह सकते हैं आप, तो ये इनके सहयोगी यहाँ से इन्हें प्राप्त हुए। अगला इम्पॉर्टेंट जो आपको देखने को मिलेगा सत्याग्रह वो है खेड़ा, और ये है प्रथम असहयोग। हर इनके जो पहले तीन आपको सत्याग्रह प्रारंभिक जो इनके एक्सपेरिमेंट्स कहे, तो उनके साथ हर एक शब्दावली जुड़ी हुई है, आप ध्यान रखिएगा। पहला सत्याग्रह, पहली भूख हड़ताल और पहला असहयोग। तो देखिए, खेड़ा कहाँ है, गुजरात में। वहाँ पे अकाल के कारण जब फसल बर्बाद हो चुकी थी, लोगों में ये किसानों में यही कारण था कि आक्रोश बढ़ता चला गया, क्योंकि फसल बर्बाद होने के बावजूद जो वहाँ पे राजस्व संहिता का उल्लंघन हो रहा था, क्योंकि इस संहिता के यानी कि इस कोर्ट के अनुसार ये प्रावधान था, ये कानून था कि अगर ऐसा कोई स्थिति होती है तो कुल उत्पादन के 1/4 उत्पादन कम होने पर राजस्व को माफ़ कर दिया जाएगा, ये एक क्लॉज था। लेकिन कुल उत्पादन का 1/4 अगर उत्पादन होता है कम हो या उससे कम उत्पादन होता है तो राजस्व जो है, लगान वसूली जो है, वो माफ़ कर दी जाएगी। लेकिन इस सिचुएशन में देखिए, अकाल जैसी सिचुएशन में भी किसान जो है लगान देने के लिए मजबूर थे। तो यहीं पर जो रोष था, जो विरोध था, वो सामने, और गांधी जी ने भी लगान बंदी करने का नारा दिया, यानी कि लगान को रोका जाए। और यहाँ पे देखिए, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक जैसे सहयोगी इनको यहाँ से प्राप्त हुए। तो ये कुछ नाम हैं जो आपको साथ ही साथ ध्यान रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है पहला जन आंदोलन, रोलेट सत्याग्रह 1919। तो इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि आपको बता देते हैं कि पहला वर्ल्ड वॉर का दौर चल रहा था, अंग्रेजों का भारतीय शासन पर नियंत्रण थोड़ा ढीला हो चुका था, तो उन्होंने सोचा कि भारत में जो राष्ट्रपति गतिविधियां हो रही हैं, इतनी मजबूत हो रही हैं, उसको थोड़ा रोका जाए। और जो युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इस राष्ट्रवादी चेतना को मिटाने के लिए रोलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन कमेटी का गठन किया। रोलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी का गठन किया गया। और क्या इसमें, इस कमेटी ने क्या सिफारिश करी या क्या प्रस्ताव रखा, कि देशद्रोह के आरोप में किसी भी व्यक्ति की बिना वारंट की गिरफ्तारी की जा सकती है और बिना न्यायालय में उसे महीनों तक जेल में रखा जा सकता है। इसलिए इस कानून को कहा गया या इस प्रस्ताव को कहा गया बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून, इसे कहा गया। तो ध्यान रखना है कि इस एक्ट में इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल होता है, तो वो है रोलेट एक्ट। तो अगला बिंदु देखिए, इसको जो सहमति दी गई, इस प्रस्ताव की बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है कि युद्धकाल के समय बिल्कुल उस समय ये उचित माना गया, लेकिन जब शांति काल है तो ऐसे में ये पूर्णतः अनुचित था। तो इस कारण से ये विरोध लगातार बढ़ता चला गया। भारतवासियों ने इसे काले कानून की संज्ञा दी थी और गांधी जी ने इसी कारण से एक राष्ट्रीय सत्याग्रह का आह्वान किया था, यानी राष्ट्रीय यानी कि पूरा जन इसमें शामिल हो।
तो ये इसलिए जन आंदोलन कहलाया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रॉलेट सत्याग्रह से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। अब देखते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, जैसे हम मैं जितनी भी आपको इंसिडेंट्स बता रही हूँ, जितनी भी घटनाएं बता रही हूँ, एक क्रम में है, आपको वो क्रम याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली उससे जुड़े हुए इफेक्ट, जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद रहेंगे, एक कंटिन्यूएशन में आप याद रखिएगा। तो रॉलेट एक्ट के बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। पिछले वर्ष ही हमने इसके 100 वर्ष पूरे करे थे, और आप आगे भी पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जो लगातार अपनी 100 वर्ष की जो अवधि है उसमें उन्होंने कंप्लीट करी है 2019 में। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, 1920 का आपको याद होगा असहयोग आंदोलन, तो इस वर्ष उसकी वर्षगांठ होगी, 100वीं वर्षगांठ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन की जो फ्रिक्वेंसी है वो बन सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट, जैसे कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं, ऐसे पार्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से रिलेवेंट हैं अभी वर्तमान में, या कुछ स्टैटिक जो टॉपिक्स हैं उनको आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए जितने भी आपको टॉपिक्स हमने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस करे हैं या जो अभी भी हम कर रहे हैं, तो आप उसको नेग्लेक्ट ना करें, कोशिश करें कि उसका आप रिविजन करते रहें ताकि वो आपसे छूटे ना। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं ये जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। जैसे आपको याद है हमने अभी डिस्कस किया रॉलेट एक्ट के बारे में, तो इसी एक्ट के विरोध में 9 अप्रैल को राष्ट्रवादी जो नेता थे, दो लोकप्रिय स्थानीय नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया और इनकी गिरफ्तारी सरकार यानी पुलिस के द्वारा कर ली गई। और इनकी गिरफ्तारी का ही काफी लोगों ने विरोध किया, पंजाब जो एरिया था इस आंदोलन यानी क्या इस एक्ट के विरोध का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा, यह पंजाब की गतिविधि थी, तो इनकी गिरफ्तारी थी, इसे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर स्थानीय लोगों द्वारा एक विरोध सभा का आयोजन किया गया, कहाँ, जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल को बैसाखी थी, तो उस वहाँ पर लोगों ने एक तरह से उस बाग में इकट्ठा हुए और इन नेताओं की गिरफ्तारी का जो आरोप लगाए गए थे सभा में आयोजित की गई थी इनके विरोध स्वरूप में, तो वहाँ पर जनरल डायर ने मार्शल लॉ का उल्लंघन करते हुए, यानी कि इन्होंने कहा कि जो विरोध सभा हो रही है वो मार्शल लॉ का उल्लंघन करती है, इस आधार पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो आपको पता है बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, एक नरसंहार जैसा हो चुका था। इतिहासकार है एक APG टेलर, इन्होंने लिखा है इस कांड के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में, कि जलियांवाला बाग जनसंहार एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय ब्रिटिश शासन से अलग हुए, यानी यहीं से इनको और भी अच्छे से समझ में आ गया कि ब्रिटिश शासन कितना क्रूर हो चुका है, या उनके उनका दमन करने के लिए कितनी बड़े बड़े इन्होंने स्टेप ले सकता है। तो यहाँ से इन्होंने भारतीयों की दशा को चिन्हित करने की कोशिश की। तो ये ब्रहा हत्याकांड के बारे में, अब इससे जुड़े हुए कुछ विशेष बिंदु देख लेते हैं। देखिए पहला बिंदु क्या है कि आपको याद रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी इंसिडेंट के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। एक और नाम आपका शंकर राम नागर ने अपनी वायसराय कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बात करते हैं कि जनरल डायर क्या क्या रहा, क्या मतलब उनके साथ क्या व्यवहार किया गया, तो हाउस ऑफ कॉमन ने डायर की प्रशंसा की कि मार्शल उन्होंने जो किया बिल्कुल उचित किया और उनको उनकी सराहना करी, लेकिन लगातार भारत में इसका विरोध हो रहा कि ये निर्णय जो है बिल्कुल उचित नहीं है। तो उसी के दबाव में ब्रिटिश शासन ने हंटर कमीशन, या फिर कहें हंटर आयोग, या फिर कहें डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया, ये आपको ध्यान रखना है। अक्टूबर 1919 में 3 भारतीय थे इसके अंतर्गत, उनके नाम भी आप देख लीजिए, सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, ये नाम है पहला, दूसरे हैं पंडित जगत नारायण, और तीसरे हैं सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। ये 3 नाम थे जो भारतीय लोगों से जुड़े हुए थे, यानी भारतीय इसमें शामिल थे इस कमेटी के अंतर्गत। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपने मन से इसका पुरजोर विरोध किया, और कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जलियांवाला जांच समिति, और गांधी जी भी इसके सदस्य रहे। तो ये कुछ विशेष बिंदु हैं। और आखिर में 1940 में, या जो हमने जनरल डायर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, खासकर ओ डायर की, उनकी हत्या 1940 में की थी उधम सिंह ने, यह आपको ध्यान रखना है कि किस व्यक्ति ने 1940 में लंदन में जनरल डायर की हत्या की थी, तो वो थे उधम सिंह। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब आता है खिलाफत असहयोग आंदोलन। बिल्कुल 1920 का ये समय था, और इसे मैंने आपको बताया कि 2020 में इसकी 100वीं वर्षगांठ होगी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, लास्ट ईयर जलियांवाला बाग हत्याकांड की 100वीं वर्षगांठ थी,
तो इस प्रकार के जो इंसिडेंट है, हिस्टोरिकल इंसिडेंट है, वो लगातार आते रहते हैं हर साल, और इसलिए इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये आंदोलन क्यों हुआ था, क्या कारण थे, कौन कौन शामिल थे, इसके कार्यक्रम क्या थे, इसकी सफलता किस प्रकार रही, ये सब आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो बात करते हैं हम खिलाफत की, क्योंकि यहाँ पर हमने खिलाफत असहयोग दोनों की बात करी, तो पहले खिलाफत की कर लेते हैं। आपको याद होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब फर्स्ट वर्ल्ड लड़ा जा रहा था, तो वहाँ पर एक ब्रिटेन ने सेवरी की संधि की थी और तुर्क के साथ, यानी तुर्की देश के साथ कुछ शर्तों के साथ एक संधि करी, और वहाँ कहा गया था कि वर्ल्ड वॉर यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो खलीफा पद है उसको प्रतिष्ठित किया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और वहाँ का जो वर्ग था उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही नकारात्मक बोला और कहा कि ये बिल्कुल युक्तियुक्त नहीं है, इस प्रकार से शर्तों के आधार पर संधि हुई थी, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। और वहाँ का धार्मिक नेता जो उस खलीफा का पद था, वो मुस्लिम समुदाय का बहुत ही इंपॉर्टेंट पद था, तो इस प्रकार की उसकी नेगलेंसी इन्हें पसंद नहीं आई, और वहीं पर खिलाफत आंदोलन की बात आई। तो काफ़ी बड़ा एक जन आधार इकट्ठा हुआ। 1910 में एक आंदोलन सामने आता है, एहरार आंदोलन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें रोल निभाया। ये भारतीय जो हमारे मुसलमान वर्ग था उसका पहला राष्ट्रीय आंदोलन था, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। तो खिलाफत आंदोलन में आपको कुछ नाम भी याद रखिएगा, अली बंधुओं का नाम याद रखिएगा आप, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, और मुख्तार अहमद अंसारी एक शख्स थे, ये भी इसमें सहभागी रहे, बैरिस्टर जान मोहम्मद जुनेजा नाम आएगा, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, ये कुछ नाम हैं जो खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे। 31 अगस्त 1920 में खिलाफत समिति द्वारा औपचारिक तौर पर आरंभ हुआ था आपका असहयोग। कैसे, देखिए, हसरत मुरानी जो नाम है, इन्होंने गांधी को स्वराज और बहिष्करण का सुझाव दिया था, और मोहम्मद अली जो थे, यानी अली बंधुओं में से एक भाई जो थे मोहम्मद अली, ने मुसलमानों को सेना में शामिल ना होने का एक फतवा जारी किया, और इस प्रकार जो पहली गिरफ्तारी हुई वो मोहम्मद अली की हुई। तो ये पूरा गतिविधियाँ या क्रम चलता रहा। तो यहाँ से उनको लगा, गांधी जी को, कि ये जो आंदोलन है ये कहीं भटके ना, ये असहयोग आंदोलन और भी व्यापक हो जाए, जो असहयोग की बात यहाँ कही गई थी खिलाफत आंदोलन के दौरान। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने कहा कि अगर ब्रिटिश शासन इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं इसको सीमित नहीं करता है, या अपने शोषणकारी नीतियाँ सीमित नहीं करता है, तो हम असहयोग शुरू करेंगे। तो यहीं से इन्होंने जो खिलाफत समिति थी इसको एक्सेप्ट करते हुए और असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी। तो तीन मांगें क्या थी इनकी मुख्य, देखिए, तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार, जो हमने आपको यहाँ पर डिस्कस किया कि खलीफा का पद जो था उन्होंने उसको पुनः स्थापित नहीं किया, उससे वहाँ के लोग खुश नहीं थे, इवन भारत में भी जो मुसलमान वर्ग था वो उचित रूप से इसे नहीं मानता था। फिर देखिए, पंजाब में अत्याचारों का निराकरण, जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसकी बात यहाँ की गई, और स्वराज की स्थापना, ये तीन मुख्य बातें थीं जो इस आंदोलन में उठाई गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको ध्यान ये भी रखना है कि तिलक और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ये दो नाम थे जिन्होंने गांधी जी के साथ सहयोग करने के लिए सहमति नहीं दी थी। उनका मानना था कि ये धार्मिक मुद्दे हैं, और इस समय गांधी जी को इस प्रकार के जो धार्मिक मुद्दों से आंदोलन की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, इन धार्मिक आंदोलनों में शामिल नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों ही इस बात से सहमत नहीं थे। तो आप ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यक्रमों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें सरकारी संस्थाओं का बहिष्करण किया गया, यानी ब्रिटिश शासन से जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएँ थी, संगठन था, उसका बहिष्करण किया गया। कई लोगों ने अपने सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया था, बहिष्कार किया, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार किया गया यहाँ पे, और खादी के उपयोग को प्रोत्साहन दिया गया, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। जैसे आप देख सकते हैं, खिलाफत और असहयोग के द्वारा इन्होंने ये बहुत उचित मौका समझा इस प्रकार की गतिविधियों को संपन्न करने का, और कर ना अदाई करने का कार्यक्रम भी इसमें बाद में जोड़ा गया। तो ये सब असहयोग या बहिष्करण की कार्यक्रमों को दर्शाते हैं, किस प्रकार से इस आंदोलन में लोगों ने किस तरीके से बहिष्कार को समर्थन दिया। और साथ ही साथ ध्यान रखना है, जो केसरी हिंद की उपाधि की हमने बात करी थी गांधी जी के संदर्भ में, तो इसी आंदोलन की शुरुआत में ही इन्होंने प्रतीकात्मक रूप से इस उपाधि को त्याग कर दिया था, यानी वापस लुटा दिया था, और असहयोगी होने का अपना एक चिन्हित या एक प्रतीकात्मक प्रूफ दिखाया था, सबूत दिया था कि मैंने सरकार का असहयोग किया है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। और एक नारा भी आपको ध्यान रखना है जो युवाओं को काफ़ी प्रभावित किया था, एक वर्ष के भीतर स्वराज,
ये जो हम स्वराज की बात कर रहे थे, तो इन्होंने एक वर्ष के भीतर स्वराज की बात की थी, जिससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए, इवन जो युवा वर्ग था वो काफ़ी प्रभावित भी हुआ और इनके साथ काफ़ी बड़ी संख्या में जुड़े भी। अब विशेष बिंदुओं की बात कर लेते हैं। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में, यहीं पर जो असहयोग का प्रस्ताव था वो पारित किया गया था। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने आपसे कांग्रेस की स्थापना के बारे में डिस्कशन किया था, तो वो कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन थे, इंपॉर्टेंट अधिवेशन, वो हमने आपसे डिस्कस करे थे। तो एक बार आप जाके उसे दोबारा रिविजन कीजिएगा, वहाँ आपको देखना कि असहयोग का प्रस्ताव कब पारित हुआ, स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो ये अधिवेशन इस रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता में, इनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना की गई, जैसे हमने बताया शिक्षा, स्थानीय शिक्षा या कहें राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इसके साथ ही कुछ और भी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज़ खोली गई, जो आप आज वर्तमान में नाम भी सुनते हैं, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, ये सब खोले गए थे। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कौन कौन सी गतिविधियाँ हुई जो इस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। चरखा बांटना, सूत काटना, ये सब बहुत ही इसके मूलभूत कार्यक्रम रहे। अब बात करते हैं इसके स्थगन होने के या इसको समाप्त करने के पीछे कारण क्या रहे। तो कई सारे ऐसे आंदोलन थे जो शुरू हो चुके थे असहयोग के साथ साथ, तो कहीं कहीं पर जैसे कि गांधी जी का जो मूल मंत्र था कि हिंसा को कहीं भी किसी भी आंदोलन में स्थान नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ गतिविधियां ऐसी रहीं भारत में जहां से ये चीज़ें सामने आई, कई ऐसे विद्रोह रहे जहां पे हिंसा सामने आ रही थी, जिसमें 5 फरवरी का चोरी चोरा कांड है वो आपको इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो कारण था जिसके बाद ये जो आंदोलन है वो स्थगित हो चुका था। तो ये घटना रही 5 फरवरी की। उसके बाद 1921 में मोपला विद्रोह भी था, ऐसा ही विद्रोह था जहाँ पे ऐसी गतिविधियाँ रहीं, तो ये भी गांधी जी को बिल्कुल अनुकूल नहीं लग रहा था। यहाँ पर भी कुछ दंगे सामने आए थे, तो दंगे यानी कि यहाँ पे हिंसा गतिविधियाँ हो रही थी। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में कृषक विद्रोह भी सामने आया, चिराला पिराला एक आंदोलन है वो भी, यहाँ पर भी कुछ हिंसा के तत्व दिखाई दिए। तो कई लगातार एक बड़े लेवल पे इस प्रकार की गतिविधियाँ सामने आई। तो गांधी जी ने इस प्रकार की गतिविधियों को देखते हुए, या कहें कि ये जो घटनाएं हुई थी हिंसात्मक घटनाएं, इसके आधार पर जो असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया 5 फरवरी 1922 को। लेकिन क्या हुआ कि ये जो डिसीजन लिया गया था, निर्णय लिया गया गांधी जी के द्वारा, इसका काफ़ी लोगों ने विरोध किया, इवन जो युवा वर्ग था भारत का वो काफ़ी निराश हुआ। तभी हम सामने देखते हैं क्रांतिकारी जो विचारधारा है, क्रांतिकारी जो वर्ग है वो सामने आता है। उनको लगा कि हमारे जो नेता हैं वो इस प्रकार की व्यवस्था में अनुकूल नहीं है व्यवस्था के लिए, और अगर कुछ करना है तो वो हम ही को करना होगा। तो इस कारण से जो क्रांतिकारी विचारधारा सामने आई थी। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्वराजवादी दल की, क्योंकि यही एक दल है जो गांधीवादी या कहें गांधी जी की जो स्थगन की बात थी असहयोग आंदोलन को करने की, वहाँ से ये एक तरह से इसकी नींव पड़ी थी। तो देखिए यहीं पर कांग्रेस में जो वैचारिक आधार पर दो भागों में ये विभक्त हो चुका था, यानी कि कहें कि दूसरा बंटवारा कांग्रेस का आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पहला बंटवारा कहाँ हुआ था, सूरत फूट, आपको याद होगी सूरत फूट, वहाँ से कांग्रेस में दो गुट सामने आए थे, नरम दल और गरम दल। अब आपको दिखाई देगा वैचारिक आधार पर दो भागों में विभक्त जो कांग्रेस थी, यानी कि अपरिवर्तनवादी और परिवर्तनवादी। तो बात करें अपरिवर्तनवादी की, तो यानी कि इनका जो गांधी जी की विचारधारा थी, उनके जो मूल कार्यक्रम थे, उनकी जो उनका जो दर्शन था, वैचारिक आधार था, उसमें विश्वास करने वाला वर्ग था अपरिवर्तनवादी, और इसमें थे राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी, सरदार पटेल। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें प्रमुख नेता कौन कौन से थे। दूसरी बात करते हैं परिवर्तनवादी की, तो गांधी जी की रणनीति से बिल्कुल अपोजिट जो रणनीति चाहते थे वो समूह था परिवर्तनवादी। वो चाहता था कि जो दर्शन है, जो ये रणनीति है गांधी जी की, उसमें परिवर्तन किया जाए, और इसमें थे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, अजमल खां, एन सी केलकर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। साथ ही साथ बात करें इन परिवर्तनवादी वर्ग की, तो इसे प्रत्युत्तरवादी वर्ग भी कहा जाए। तो 1923 में इन्होंने इसे एक कमेटी बनाई, एक दल बनाई, जिसे कहा गया कांग्रेस खिलाफत स्वराजवादी दल, ये स्थापित किया गया, और बाद में ही इसी दल को स्वराज पार्टी का नाम दिया गया, और यहीं पर इसे कहा गया कांग्रेस का द्वितीय विभाजन। और आपको ध्यान रखना है इसके अध्यक्ष रहे सी आर दास। इन्होंने क्या किया, जो परिवर्तनवादी वर्ग था, इन्होंने सरकार के भीतर घुसकर, यानी कि विधानसभाओं में निर्वाचित होकर चुनाव के द्वारा, मध्य प्रांत में इन्हें काफ़ी बड़ी मात्रा में सफलता प्राप्त हुई, वहाँ पर इन्होंने काफ़ी सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप करके उसे विभेदित करने की कोशिश करी, उसे रोकने की कोशिश करी। तो इनका जो तरीका था विरोध करने का, वो इस प्रकार का था कि शासन में घुसकर हम लोग परिवर्तन की मांग करेंगे। तो बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी इस वर्ग की, यानी जो हमने यहाँ देखा इस दल की पार्टी बनी थी। इन्होंने केंद्र सभा में गठबंधन
की रणनीति के आधार पर बहुमत प्राप्त किया था और भारत विरोधी प्रस्ताव जो थे उनको पारित ना होने की जो रणनीति इन्होंने अपनाई थी। तो ये आपको ध्यान थोड़ा रखना है कि इस वर्ग की फिलॉसफी क्या थी। पब्लिक सेफ्टी बिल आपको याद होगा, पब्लिक सेफ्टी बिल, इसको भी इन्होंने रोकने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका दी थी कि पारित ना हो पाए, इनका प्रयास रहा था, इनकी ये बहुत इंपॉर्टेंट उपलब्धि भी रही। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे फैक्ट्स ये रहे कि जो भारतीय पहले स्पीकर रहे थे वो थे विट्ठल भाई पटेल, ये याद नाम याद रखिएगा। और सी आर दास क्या बने, कलकत्ता के मेयर बने थे। सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता कार्यपालिका का सीईओ बनाया गया था। साथ ही साथ नेहरू भी इलाहाबाद के मेयर बने थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, नेहरू, सुभाष, सी आर दास, जिनका जो इन्होंने नीति अपनाई, रणनीति अपनाई थी, उसके द्वारा ये शासन में अपनी जगह बना पाए थे। उसके बाद 1925 में सी आर दास की मृत्यु के बाद ये थोड़ा दल कमज़ोर हो चुका था, असहयोग की रणनीति की जगह सहयोग करने लगा था। तो कहीं ना कहीं ये जो थोड़ा दल था वो अपने उद्देश्य से भटक चुका था। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट कौन सा है। अब आता है साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट। तो पहले हम साइमन कमीशन को देख लेते हैं। देखिए 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए साइमन आयोग आया था, आपको याद होगा जब 1919 का एक्ट आया था तो उसमें एक प्रावधान था कि इसकी समीक्षा की जाएगी, इस एक्ट की समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि लोगों में भारतीय द्वारा जो मांग की जा रही संविधान निर्माण की वो कहाँ तक सही है, क्या भारतीय इतने सुदृढ़ हो चुके हैं, इतने कैपेबल हो चुके हैं कि वो संविधान का निर्माण कर सकते। इस प्रकार की जो समीक्षा थी वो इस आयोग के द्वारा की गई थी और सभी सदस्य इसमें अंग्रेज थे, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही आगे एक कारण बना जब लोगों ने भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में इस आयोग का विरोध किया था। और सबसे बड़ी बात, साइमन गो बैक, ये तो आपने नारा सुना ही होगा, इसी कारण से ये नारा दिया गया था। तो भारतीय जन आक्रोश के साथ कांग्रेस, किसान मजदूर पार्टी, लिबरल पार्टी, फेडरेशन, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, इन सभी ने बहिष्कार की नीति अपनाई। लेकिन जो इस विरोध में शामिल नहीं थे आपको वो जाना ज़रा ज़रूरी है, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी जो थी और दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी थी, वो इस आंदोलन में शामिल नहीं थी। तो क्वेश्चन ये यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे कि साइमन कमीशन के विरोध में निम्नलिखित में से कौन कौन से वर्ग सम्मिलित नहीं थे। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ये दो वर्ग जो थे, यूनियनिस्ट पार्टी और जस्टिस पार्टी, इसमें शामिल नहीं थी। और 1928 में तत्कालीन भारत जो सचिव थे लॉर्ड बर्किन हेड ने भारतीयों को संविधान निर्माण की चुनौती दी थी, ये भी हम बात करेंगे। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि 1927 में कांग्रेस का मद्रास का अधिवेशन हुआ था, मद्रास अधिवेशन, वहाँ पर इसके बहिष्करण का निर्णय लिया गया था। और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और वहीं से लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। फिर विरोध हुआ लगातार बड़ी मात्रा में, यहाँ से फिर तत्कालीन जो भारत सचिव थे लॉर्ड बर्किन हेड, जिन्होंने भारतीयों को चुनौती दी कि आप संविधान निर्माण कीजिए, क्योंकि आपको याद होगा उस समय ऐसी परिस्थितियाँ चल रही थी, वहाँ विचारों के बहुत सारे मत सामने आ रहे थे, तो इनका जो कॉन्फिडेंस था, इनका ये कहना था कि ऐसा उचित ही नहीं हो सकता या ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारतीय एक साथ जुट कर या एक साथ मिल के अपने संविधान पर सहमति दर्ज कर पाएँ। तो ये एक तरह से इनकी एक ट्रिक थी। तो इन्होंने 1928 में चुनौती भारतीयों को। और फिर आप देखते हैं नेहरू रिपोर्ट, तो हम उसके आगे चर्चा करेंगे कि नेहरू रिपोर्ट आखिर है क्या। देखिए ये देखिए 1928 में जब तत्कालीन ने भारत सचिव वर्किंग हेड ने भारतीयों को चुनौती दी और संविधान प्रारूप तैयार करने में भारतीयों का पहला प्रयास था नेहरू रिपोर्ट, तो कई सारे लोग यहाँ पे आगे सामने आए, 7 सदस्य समिति बनी, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे, डोमिनियन जो स्टेट की बात थी वो रखी गई, भारतीयों के मौलिक अधिकारों की मांग की गई, जो पृथक औपनिवेशिक स्वराज की बात की गई, यहाँ पे पृथक निर्वाचन व्यवस्था की जगह संयुक्त निर्वाचन पद्धति को अपनाने की मांग की गई, भाषीय आधार पर प्रांतों के गठन की मांग की गई, देखिए 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई, साथ ही साथ केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की मांग की गई। ये नेहरू रिपोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं कि रिपोर्ट के अंदर किन किन बातों को रखा गया था सामने। फिर एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि जिन्ना ने इसी के अपोज में यानी कि विरोध में अपना एक 14 सूत्रीय फॉर्मूला रखा यानी मांग पेश करी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन वही बात हुई कि नेहरू रिपोर्ट पर सर्वसहमति अनुपस्थित थी, यहाँ पर सभी सहमत नहीं हो सके, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि नमक सत्याग्रह। उससे पहले गांधी जी के कुछ 11 सूत्रीय मांगों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे देखा जा रहा है कि गांधी जी 11 सूत्रीय मांगे हमने मेंशन करी हैं, तो पहले जान लेते हैं कि गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगे रखी हुई थी।
तो गांधी जी का मानना था कि अगर सरकार इन मांगों पर विचार करती है, इन्हें मानती है, तो हम सविनय अवज्ञा इस प्रकार के आंदोलन की शुरुआत नहीं करेंगे। तो ये आंदोलन जो है इन्हीं 11 सूत्री मांगों से उत्पन्न हुआ था, यानी कि गांधी जी ने ये कुछ 11 सूत्री मांगें रखी थी सरकार के सामने, या कहें वायसराय इरविन के सामने। आगे हम इसी के संबंध में गांधी इरविन पैक्ट भी पढ़ेंगे। तो ये इरविन के सामने रखी वायसराय के सामने कि जैसे देखिए आप सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग की थी, गुप्तचर विभाग की समाप्ति क्योंकि ये जासूसी विभाग जो था वो भारतीयों के लिए बहुत अनुकूल नहीं था, या कहें कि भारतीयों को ही उत्पीड़ित करने के लिए स्थापित किया गया था। भू राजस्व में कमी करने की मांग की गई, भारतीयों को आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार रखने के लाइसेंस देने की अनुमति की जाए, ये इनकी मांग थी। साथ ही साथ नमक कर को ख़त्म किया जाए, नमक पर सरकारी एकाधिकार जो है उसको ख़त्म किया जाए, ये महत्वपूर्ण मांग थी। और उसके साथ ही साथ विदेशी कपड़ों का जो आयात है उसको नियंत्रित किया जाए और तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए। ये इस 11 सूत्री जो मांगे थे गांधी जी की बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो अब देखिए गांधी जी ने ये 11 सूत्री मांगे रखी और साधारणतः वायसराय के द्वारा इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो गांधी जी का सीधा सीधा कहना यही था कि अगर सरकार ये मांगे नहीं विचार करती है, इन पर विचार नहीं करती है, तो हम आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो देखिए दांडी मार्च 12 मार्च से शुरू हुआ था 6 अप्रैल तक, साबरमती के दांडी से लेकर ये यात्रा हुई थी। समुद्री जल से सांकेतिक रूप से नमक बना के कानून की अवज्ञा करना ही, यहीं से आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन दिखाई देगा, यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। तो देखिए 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी और इनकी गिरफ्तारी के बाद जो इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे वो थे अब्बास तैयब जी। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है कि किन की गिरफ्तारी, यानी कि गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी को इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता माना गया। अब ये आंदोलन इतना व्यापक था, या कहें पूरे भारत में इसकी जो फ्रिक्वेंसी थी, टेंडेंसी थी, बहुत व्यापक रही और सब जगह जगह पर लोगों ने अपने अपने तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन के भाग बने। देखते हैं कैसे। तो देखिए पश्चिमोत्तर प्रांत की बात करें तो खुदाई खिदमतगार, यानी कि आपने देखा होगा, सुना होगा श्रीमान गांधी का नाम, यहाँ पर इन्हीं की बात हो रही है। लाल कुर्ती आंदोलन, वो इस सक्रियता दिखाता है इस आंदोलन में। गुजरात और उत्तर प्रदेश में किस प्रकार कर न अदा करके इस आंदोलन को सपोर्ट किया गया। एक जगह है धरसाणा, वहां पर नमक सत्याग्रह किया गया। असम में कनिंगम सर्कुलर के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया गया। इस आंदोलन में क्या हुआ था कि विद्यार्थियों को इस आंदोलन में रोकने के लिए ये सर्कुलर जारी किया था, तो इसका विरोध किया गया विद्यार्थियों ने। फिर वही कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रांत हो गया, वहाँ पर वन कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग बने। तो आपको ध्यान रखना है कि हर क्षेत्र में अवज्ञा करने के तरीके अलग अलग थे, कहीं ने टैक्स नहीं दिया, किसी ने वन कानून का उल्लंघन किया, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट की बात करें, मणिपुर में जादुनांग के नेतृत्व में सत्ता विरोधी आंदोलन चल रहा था, लेकिन इसे अधिक लोकप्रियता नहीं मिली। एक नागा युवती थी गौडिल्यू, उनका नेतृत्व भी इस आंदोलन में दिखाई देता है, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया था, तो इसकी जो लोकप्रियता है ज्यादा नहीं फैल पाई भारत में। लेकिन नेहरू जी ने गौडिल्य जो युवती थी, नागा युवती, उनको बहुत अच्छी उपाधि दी, एक तरह से रानी की उपाधि इन्हें दी थी, तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है। साथ ही साथ अगर हम थोड़ा दक्षिण बात की करें, तमिलनाडु के तंजौर तट की बात करें, तो यहाँ भी ये आंदोलन काफी व्यापक रहा। तृष्णापल्ली एक जगह है, वहाँ पे सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में ये काफी लोकप्रिय यात्रा रही और वायकुम सत्याग्रह के केलपप्पन के नेतृत्व में रहा। ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह थी जहाँ पर इस आंदोलन की जो तरीके थे वो अपनाए गए। अब बात करते हैं गांधी इरविन पैक्ट की। मार्च 1931 को यह संपन्न हुआ था। इस आंदोलन में काफी व्यापक तौर पर छात्र शामिल हुए, महिलाएं शामिल हुई, किसान शामिल हुए, तो काफी इंपॉर्टेंट रहा। और असहयुक्त की तुलना में, यानी असहयुक्त आंदोलन जो हमने पढ़ा या देखा, उसमें जो लोगों की सहभागिता थी वो काफ़ी बड़ी मात्रा में थी। तो इसी कारण से जो सरकार थी एक कंक्लूजन पहुंची कि समझौता कर लिया जाए। तो यहाँ पर जैकर हैं और तेज बहादुर सप्रू, ये दो नाम हैं, इनके माध्यम से ये समझौता
पेश किया गया था और मार्च 1931 को ये समझौता दिल्ली में संपन्न हुआ, या इसे दिल्ली समझौता भी कह सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे कहा था सरोजनी नायडू ने, इसे कहा दो महात्माओं का मिलन, ये इन्होंने इस समझौते को एक नाम दिया था, तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इस पैक्ट की इसमें किन किन मांगों पर सहमति दर्ज हुई, तो देखिए हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त राजनीतिक कैदियों की रिहाई, यहीं पर आपको भगत सिंह का भी ध्यान आएगा कि यहीं इसी कारण से गांधी जी भगत सिंह की जो फांसी थी उसको रोक नहीं पाए थे क्योंकि वो हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त थे और या फिर वो हिंसात्मक अपराधियों की सूची में शामिल थे। अगला था आपातकालीन अध्यादेशों को वापस लिया ले जाए, विभिन्न प्रकार के जुर्मानों की वसूली को स्थगित किया जाए, सरकारी सेवाओं से जो त्यागपत्र दे चुके थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उनके साथ अगर वो वापस आते हैं भारतीय तो सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया जाए, ये इम्पोर्टेंट रहा। फिर देखिए मदिरा अफीम विदेशी वस्तुओं के जो दुकानें हैं जो स्थान हैं वहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन या विरोध करने की अनुमति दी जाए, अपहरण की जो संपत्ति थी यानी जो सरकार ने संपत्ति ले ली थी वो उसे वापस कर दिया जाए लोगों की, और समुद्र तट की जो निश्चित सीमा है उसके अंदर नमक बनाने की या नमक तैयार करने की अनुमति दी जाए। तो ये पैक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो आपको ध्यान रखने हैं। और इसी पैक्ट के बाद आपको ध्यान होना चाहिए जो हमारा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसी के पैक्ट के बाद गांधी जी सहमत हुए कि वो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट चरण है, तो इसमें हम फर्स्ट चरण से जुड़ी हुई जो जितनी भी घटनाएं थी उसका एनालिसिस कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं इस इंपॉर्टेंट पार्ट को जिसमें आते हैं आपके प्रीलिम्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है जितने भी हमने पीछे डिस्कशन किया आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, तो हम आज क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है पहला कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पहला, महात्मा गांधी गिर मीटिया इंडेंजर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। दूसरा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। तीसरा, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा सही कथन है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, यानी केवल एक और तीन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि आपको याद होगा कि भारतीयों की भर्ती संबंधित प्रस्ताव का समर्थन किया था लेकिन शर्त क्या थी, स्वायत्तता, कि भारतीयों को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी तभी वो भारतीय जो है भर्ती आर्मी में या विश्व युद्ध में भर्ती होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो काफ़ी अच्छे से मैंने आपसे डिस्कस किया सत्याग्रह, तो मुझे लगता है इसका आंसर आपको पता होगा। ऑप्शन ए कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, या ऑप्शन बी राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी, या ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, या ऑप्शन डी रोपण फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। तो आपको बताना है कि चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट जो पक्ष है या पहलू है वो कौन सा है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन सी बिल्कुल, कि इस आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना ही इस सत्याग्रह का इम्पोर्टेंट फैक्ट रहा। अगला क्वेश्चन है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा था। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपको पता होगा इसका सही आंसर क्या है। 1920 में स्वराज्य सभा का नाम रखा था ऑल इंडिया होम रूल लीग ने, ये आपको ध्यान रखना है, स्वराज्य सभा। अगला क्वेश्चन है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। ये थोड़ा सा आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है क्योंकि हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, तो देखते हैं किसको लगता है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर रहेगा या तो ऑप्शन ए केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, या फिर भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्ति निश्चित करना, या फिर राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था आरोपित करना, या भारत सरकार एवं देशी रियासत के बीच संबंध सुधारना। तो बटलर कमेटी जो है इन चारों में से किससे संबंधित है, यह है ऑप्शन डी, यानी कि जितनी भी भारत में देशी रियासतें थीं उनके बीच संबंध किस प्रकार सुधारे जाएं उसके लिए बटलर कमेटी बनाई गई थी 1927 में। इसके साथ ही 1921 का नरेंद्र मंडल भी आपको ध्यान रखना है, इसका संबंध भी देशी रियासतों से है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा गया था, तो कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य भी इन रियासतों के बीच और अंग्रेजों शासन के बीच जो संबंध था उसको सुधारने या उसकी व्यवस्था बनाने के लिए लाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
पहला रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमिटी की सिफारिश पर आधारित था। दूसरा रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। तीसरा साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही ऑप्शन है, ए बी सी या डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल एक और दो सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। ये मैंने आपसे अभी डिस्कस भी किया, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। इन्होंने ही तंजौर के तट पर एक अभियान शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयब जी थे। तो आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन है इसमें से, केवल दो बिल्कुल, क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, इसलिए ये दूसरा कथन सही है, पहला गलत। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई, या कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया, या असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया, या लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। तो आपको बताना है इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल, स्वराज, पूर्ण स्वराज प्राप्ति की बात की गई थी इस अधिवेशन में। ये असहयोग आंदोलन तो 1920 में ही शुरू हो चुका था और ये गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जा चुके थे, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं है। आगे देखते हैं, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था, युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन देना, या बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना, या खिलाफत आंदोलन का दमन करना, या प्रेस स्वायत्तता पर प्रतिबंध लगाना। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है या प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था, या इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था, या इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी केवल एक सही है, दूसरा भी गलत और तीसरा भी गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणा अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला। तो आपको विचार करना है, सुशिक्षित व्यक्ति का एक नैतिक दायित्व है कि वह शोषित और निर्धनों का उत्थान करे, या व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है, या इस संदर्भ में सभी उपयुक्त ए बी सी कथन सही हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। देखिए, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। सर्वोदय आपको याद होगा, सर्वोदय ही इसका गुजराती अनुवाद था, तो वहीं पर यह बात कही गई, व्यक्ति का कल्याण ही सबके कल्याण में निहित है, सर्वोदय। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था। तो पहला, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। प्रशासन का ये प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो आपको बताना है सही कथन कौन सा है इसमें से, ऑप्शन ए बी सी या डी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए बिल्कुल, पहला सही है और दूसरा गलत। आप समझ गए होंगे कि ये गलत क्यों है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए। पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने और कृषकों की समस्या को जांच करने की राजी किया था। फिर दूसरा है, चंपारण जांच में आचार्य जेपी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। तो आपको बताना है कि ऑप्शन में से कौन सा सही है, और मैंने आपसे ये डिस्कस भी किया था कि किस किस आंदोलन में महात्मा गांधी के कौन कौन सहयोगी रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी बिल्कुल, केवल दो सही है, एक गलत है, क्योंकि आपको पता है इस समय इनके साथ कौन जुड़ा था। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता का संग्रहण की रचयिता कौन है इनमें से, अरुणा आसिफ अली, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, या विजयलक्ष्मी पंडित।
ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है और इसका सही आंसर है सरोजनी नायडू, गोल्डन थ्रेशोल्ड की रचयिता। आगे देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? पहला, इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, या इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, या फिर इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, या इसने श्रमिक संघ या ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित किया। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, बिल्कुल बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून था रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? बहुत सरल क्वेश्चन है और ऑप्शन सी इसका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करी थी? सी इसका सही आंसर रहेगा। आगे देखते हैं, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत आसान क्वेश्चन है, यह डिस्कस भी किया था हमने, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? ए एन सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, जेपी कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद? यह क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है इसलिए हमने इसमें शामिल किया है। इसका सही आंसर रहेगा ए, ऑप्शन ए, ए एन सिन्हा। अगला, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटित हुई? द आर्म्स एक्ट, द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, द रॉलेट एक्ट या द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? यह है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो बताना है आपको इसका सही आंसर क्या है? सी, बिल्कुल रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड सामने आया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह की शुरुआत की थी? अहमदाबाद, बारडोली, चंपारण या खेला? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी चंपारण में इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सी इसका सही आंसर है, जो लाहौर सम्मेलन हुआ था रावी नदी के तट पर, उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। हमें उम्मीद है आज का ये डिस्कशन, आज का ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा, कई सारी जानकारी आपको प्राप्त भी होगी और कई डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये पसंद आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए निर्माण आयोग के चैनल को और लगातार इस प्रकार के वीडियोस को बनाने में हमारी मदद करते रहिए। धन्यवाद।